ये देखिए मेरा बनकर बिल्कुल तैयार है टमाटर चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ये खाने में लगता है। अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना विद नज़राना। आज मैंने बनाया है टमाटर चिकन, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, मेरा बहुत फेवरेट है। आओ देखें इसको कैसे बनाते हैं मेरे तरीके से। आपने अपने तरीके से बना के खाया होगा, एक बार मेरे तरीके से बना के खाइए, आपको वाकई में पसंद आएगा। आइए देखें इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर चिकन बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल मैंने लगभग एक कप के आसपास डाला है, आप अपने हिसाब से ऑयल डाल लेना। ऑयल के साथ में ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये चिकन, जो कि 700 ग्राम चिकन है। अब इसको ऑयल के साथ में ही फ्राई कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहे हैं तो पहले अपने मस्टर्ड ऑयल को पका लेना, ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे जो है चिकन ऐड करना। यहाँ पे देखिए हमारा जो है चिकन फ्राई होना शुरू हो गया है। अब इसमें अपने डाल देंगे एक चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लेना, अपने स्वाद के अनुसार। और इसको इस नमक के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे, जब तक व्हाइट कोटिंग नहीं आ जाती है। देखिए यहाँ पे व्हाइट कोटिंग हमारी आ ही गई है। अब इसी बीच में हम डाल देंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने लगभग 2 चम्मच के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में इसको थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ में मेरा जो चिकन है वो मैंने भून लिया है। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज है, इसको रफली चॉप कर लिया था चॉपर में। आप चाहें तो हाथ से भी चॉप करके या पीस के भी डाल सकते हो उस टाइम पर प्याज को। 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने यहाँ पे ले लिए। अब प्याज के साथ में इसको भून लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरी वीडियो आपके पास में पहले पहुंच जाए। यहाँ पे मेरी प्याज के साथ में टमाटर प्याज के साथ में भून चुका है चिकन। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 टमाटर मीडियम साइज के, जिसको मैंने इस तरीके से रफली चॉपर में चॉप कर लिया है। आप मिक्सर में पीस के भी डाल सकते हैं इसको, काट के भी डाल सकते हैं। अब टमाटर के साथ में इसको पका लेंगे। अब इसमें हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। देखिए टमाटर को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। इसके साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। अगर आपके घर में स्पाइसी कम खाया जाता है तो आप हरी मिर्च मोटी वाली डाल लेना। मैं थोड़ी स्पाइसी वाली डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में नॉर्मल मिर्ची खाई जाती है, इसलिए आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैंने यहाँ से 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है, इस तरीके से मैंने उसको डाल दिया। अब इसके साथ में हम इसको गलने तक पका लेंगे। अब इसको ढक के मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम पका लेंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। यहाँ पे हमारे चिकन को लो फ्लेम पे पकते हुए हो गए हैं 10 से 15 मिनट। मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हाई फ्लेम पे भी इसको पका लेना। देखिए यहाँ पे चिकन मेरा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले के लिए हमने यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे हम धनिया पाउडर। आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, आपको कितना कम या ज़्यादा खाना है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आधा चम्मच ही हम यहाँ पे करेंगे अपना गरम मसाला, जो कि मेरा होममेड गरम मसाला है। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अभी सारे मसालों के साथ में इसको अच्छे से भून कर पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाले के साथ में इसको भून लिया है, और चिकन देखो मेरा बिल्कुल बनकर तैयार है। ये बहुत जल्दी बहुत झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। ये देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया ढेर सारा हरा धनिया।
यहाँ पर आप अपना नमक मिर्च चेक कर लेना अपनी फैमिली के हिसाब से कि आपके यहाँ पे कितना नमक मिर्च खाया जाता है, उस हिसाब से आप नमक मिर्च ऐड कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा है, प्लस प्याज ने भी अपना पानी छोड़ा है और चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको लगे कि पानी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इतनी ग्रेवी ठीक है। देखो ये ग्रेवी बहुत बढ़िया बनी हुई है इसकी, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। देखिए अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप ऐड कर लेना, मैंने पानी ऐड नहीं किया है। ये मेरा चिकन टमाटर चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। देखिए मैं आपको हाथ से दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा चिकन बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम करती हूँ ऑफ और इसको ढक देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर सर्व करूँगी इसको।